फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से नर्सरी विजिट करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है सिंह नर्सरी। इस नर्सरी में आपको फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ सेमी इंडोर प्लांट का भी कुछ बहुत ही बढ़िया सा कलेक्शन देखने को मिलता है, और इनके पास में आपको बड़े साइज में भी प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आउटडोर प्लांट की भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज हैं इनके पास में, जो कि आप बाय कर सकते हो रीजनेबल प्राइस में। इनके पास में आपको सकुलेंट प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर की बहुत सारी वेराइटीज हैं इनके पास। हर्बल प्लांट की तो ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज आपको इनके पास में देखने को मिल जाती है, उसी के साथ में इनके पास में ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम में आते हैं। इनके पास में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, उसी के साथ में फ्रूट प्लांट का भी कुछ बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है इनके पास में। इनके पास में आपको रुद्राक्ष, चंदन, ऐसे कुछ यूनिक प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं। हैंगिंग प्लास्टिक पॉट का भी बहुत ही प्यारा था कलेक्शन है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 50 रुपीज से, और प्लास्टिक पॉट में भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। इनके पास में आपको सिरेमिक पॉट का भी कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 80 रुपीज। 80 रुपीज से आप यहाँ से सिरेमिक पॉट बाय कर सकते हो। इंडोर प्लांट का तो बहुत सारा और बहुत प्यारा कलेक्शन है इनके पास में, करके उन्होंने शेड वाले एरिया में इन प्लांट्स को रखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रूली इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट की बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। उसी के साथ में इनके पास में आपको हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। हैंगिंग बास्केट विद मनी प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हो, उसी के साथ में आउटडोर रखने के लिए इन्होंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाए हैं हैंगिंग बास्केट्स में। ये देखिए, ये नर्सरी का एड्रेस है। अगर आपको प्लांट पसंद आ रहा है, आपको बाय करना है, तो दिए गए एड्रेस पे आप उनको विजिट कर सकते हो, और इनका मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चलिए तो देखते हैं कौन से प्लांट्स इनके पास में और उनके क्या प्राइजेस है। ये वाला जो प्लांट है, ये रोज का प्लांट है। जो सबसे छोटा प्लांट होगा आपको मिलेगा 30 रुपीज में, और बड़े से बड़ा प्लांट आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में। रोज प्लांट की भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में, आप बाय कर सकते हो यहाँ से। और ये जो प्लांट है, ये बोगनविला का प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज में, और 200 रुपीज में आपको अच्छा खासा बड़ा प्लांट भी इनके पास में मिल जाएगा। बोगनविला के प्लांट्स इनके पास में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। ये वाले जो बड़े साइज के बोगनविला के प्लांट्स है, ये एक प्लांट आपको मिल जाता है 250 रुपीज में, अच्छा खासा बड़ा प्लांट है ये। और ये वाले जो प्लांट है, मारीगोल्ड के प्लांट है, जिसका प्राइस है 20 रुपीज। 50 रुपीज में आपको पॉट में प्लांट मिल जाता है। एक्जोरा की भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में, जो कि आप बाय कर सकते हो 52 to 50 रुपीज के रेंज में। ये वाला जो एक्जोरा का प्लांट है, ये देखिए डबल कलर में, एक ही प्लांट है लेकिन डबल कलर है उसमें, व्हाइट एंड पिंक, वो बाय कर सकते हो आप 250 रुपीज में। एक्जोरा के प्लांट जो होते हैं वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसकी वजह से इनको अगर आप बाय करते हो तो इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको इसके अच्छे से केयर लेना पड़ेगा, तभी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये वाला जो प्लांट है, ये प्लांट अगर बैग में बाय करते हो तो आपको मिल जाता है 25 रुपीज में, अगर पॉट में बाय करोगे तो आपको मिल जाता है 50 रुपीज में। ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। और ये वाला जो प्लांट है, शेवंती का प्लांट है, अगर आप बैग में बाय करोगे तो आपको मिल जाता है 30 रुपीज में, पॉट में बाय करोगे तो 70 रुपीज में। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। और ये वाला जो प्लांट है, हिबिस्कस के प्लांट है, जिसे हम जासवंत भी कहते हैं, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 to 150 के रेंज में। हिबिस्कस में सबसे छोटा जो प्लांट होगा आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में, और बड़े से बड़ा प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज में। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, देखिए व्हाइट कलर, ये अनदर कलर। वाला जो प्लांट है, इसको बोलते हैं स्टार जास्मीन, जो कि एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आप बाय कर सकते हो जस्ट इन 50 रुपीज। और ये वाला जो प्लांट है, टोर्निया के प्लांट है, बैग में आपको 20 में मिल जाएगा, पॉट में 50 रुपीज में। ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। और ये जो प्लांट है, ये यूफोबिया का प्लांट है, जो कि आप बाय करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 to 150 के रेंज में, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एडेनियम के प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो कि आप अगर यहाँ से बाय करोगे तो आपको 200 to 1500 रुपीज के रेंज में मिल जाते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ आपको बोनसाई लुक भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सेपरेटली बोनसाई प्लांट बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको सेम प्लांट से फ्लावर और बोनसाई लुक दोनों मिल जाते हैं।
ये फ्लावर भी देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। ये वाला जो प्लांट है टगर का प्लांट है, अगर आप छोटा प्लांट बाय करोगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा 20 रुपीज में। टगर में मिनीचर वेराइटीज में इनके पास में बड़े प्लांट्स भी है, जो अगर आप बाय करना चाहते हो पॉट के साथ में तो आपको मिल जाएगा 750 रुपीज में। और ये जो प्लांट है ये चंपा का प्लांट है, जिसका रेंज है 250 to 1500 रुपीज। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर्स दिखने में बहुत ही प्यारे दिखते हैं। जनरली ये प्लांट को घर के बाहर में आउटडोर में ग्रो करते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये पेंटस के प्लांट है, जो कि आपको 20 to 70 रुपीज के रेंज में मिल जाते हैं इनके पास में। और ये जो प्लांट है ये प्लांट आपको मिल जाएगा 50 to 150 रुपीज के रेंज में। पोंसुटिया प्लांट का बहुत सारा और बहुत प्यारा कलेक्शन है, जो कि आप बाय कर सकते हो 200 टू 350 के रेंज में। इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं इनके पास में। पोंसुटिया प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के साथ में ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब भी बाय करो तो ऐसे प्लेस पे रखो जहाँ पे ब्राइट लाइट आता हो, और ऐसे सॉइल में ग्रो कीजिए जहाँ पे वेल ड्रेन सॉइल आप क्रिएट कर सको। ये वाला प्लांट आपको मिल जाएगा 80 रुपीज में, और ये वाला सकुलेंट प्लांट आपको मिल जाएगा 100 रुपीज में। और भी बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज है सकुलेंट प्लांट की इनके पास में। ये वाला आपको मिल जाएगा 150 में, और ये भी आपको सेम रेट में मिल जाता है। सकुलेंट प्लांट की तो वैसे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज है, वन बाय वन सभी मैं आपको शो करता हूँ। इनके पास में आपको क्रसुला के प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका प्राइस है 120 रुपीज। और भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में सकुलेंट एंड कैक्टस प्लांट्स की। ये देखिए सकुलेंट प्लांट विद स्मॉल सिरेमिक पॉट, ऐसा गिफ्ट भी आप किसी को दे सकते हो। और इनके पास में ऐसे भी अरेंजमेंट करके मिल जाती है सकुलेंट प्लांट की, एक बॉक्स में उनका प्रॉपर सॉइल के साथ में बना के मिल जाता है। इनके पास से आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बाय कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली कंपनी से इनके पास में आता है, जो कि 60 रुपये केजी के हिसाब से आप इनके यहाँ से बाय कर सकते हो। और इनके पास में केमिकल फर्टिलाइजर भी मिल जाते हैं, जिसका प्राइस पर पैकेट का 50 रुपीज़ है, जिसमें आप DAP बाय कर सकते हो, यूरिया बाय कर सकते हो, NPK फर्टिलाइजर है वो बाय कर सकते हो। ये DAP फर्टिलाइजर है पाउडर फॉर्म में, और ये वाला जो फर्टिलाइजर है ये यूरिया है। इनके पास में सॉइल भी मिल जाती है 20 रुपीज पैकेट के हिसाब से, और भी ऐसी बहुत सारे पैकेट्स हैं इनके पास। इनके पास में कोकोपीट 1 kg का ब्लॉक 100 रुपीज में मिल जाता है, खुले में भी आपको मिल जाएगा 30 रुपीज पैकेट के हिसाब से। हैंगिंग प्लास्टिक पॉट भी इनके पास में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 50 रुपीज से, और पॉट के बॉटम में रखने के लिए प्लेट्स भी है। प्लास्टिक पॉट का तो कुछ बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है इनके पास, जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। टेराकोटा कलर में भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है ये देखिए, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 20 रुपीज। प्लास्टिक के प्लांटर सस्ते होने के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स में भी आपको मिल जाते हैं, और उसी के साथ में इसको हैंडल करना भी इजी होता है, क्योंकि इनका वेट कम होता है। प्लास्टिक के प्लांटर जब भी आप बाय करना चाहो तो एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे प्लेस पे इसको बिल्कुल ना रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता हो, क्योंकि सनलाइट में इसका मटेरियल जो है ब्रिटल हो जाता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। प्लास्टिक पॉट के साथ साथ सिरेमिक पॉट का भी कुछ बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है इनके पास में, जो कि आप बाय कर सकते हो फ्रॉम 80 रुपीज। ये वाले जो पॉट देख रहे हो ये आपको मिल जाते हैं 80 रुपीज में। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इनके पास में। ये वाले जो पॉट देख रहे हो ये आपको मिल जाते हैं 100 रुपीज़ में, स्क्वायर शेप में है, और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डिजाइंस में और डिफरेंट शेप्स में इनके पास में सिरेमिक पॉट का कलेक्शन है। जो भी कलेक्शन आपको पसंद आता है वो बाय कर सकते हो। इनके पास में आपको फाइबर प्लांटर्स भी मिल जाते हैं, फाइबर में इनके पास में बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि ये देखिए ये वाला फाइबर प्लांटर है विथ व्हील्स।
ये प्लांटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेवी हो जाते हैं, उसके वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मूव करना इजी नहीं होता है। अभी व्हील्स के वजह से वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। और इनके पास में आपको पेबल प्लांटर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि स्टोन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और देखने में ऐसा लगता है कि स्टोन ही है। इनके पास में हैंगिंग प्लांटर्स भी है जो कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाते हैं, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 50 रुपीज। प्लांट्स लगाने के लिए सीमेंट के प्लांटर्स भी इनके पास में जो कि डिफरेंट साइजेस में आप बाय कर सकते हो। यहाँ से तुलसी का पॉट भी है जो कि सीमेंट से बना हुआ है। और घर के बाहर में बड़े प्लांट्स लगाने के लिए इनके पास में बड़े प्लांटर्स भी है। इनके पास में स्प्रे बॉटल्स भी अवेलेबल है जो कि आप वाटरिंग देने के लिए यूज कर सकते हो सकुलेंट प्लांट को। सिंगोनियम प्लांट आपको मिल जाता है 8 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ये एक इंडोर प्लांट है और ये सेमी इंडोर प्लांट है पेट्रा क्रोटॉन। क्रोटॉन प्लांट की वैरायटी आपको मिल जाता है 150 रुपीज में। और ये जो प्लांट है ये कैलेथिया प्लांट की वैरायटी है, बैग में आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में, पॉट में बाय करोगे तो आपको मिल जाता है 120 रुपीज में। ये भी एक इंडोर प्लांट है। पीस लिली का प्लांट है, वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट जो कि आप बाय कर सकते हो 150 रुपीज में यहाँ से। और ये वाला जो प्लांट है डायफन पेचिया प्लांट की वैरायटी है, 250 रुपीज में एक प्लांट आपको मिल जाएगा, छोटे लीव्स रहते हैं इसके। और ये जो प्लांट है ये एग्लोनियम प्लांट की वैरायटी है जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज टू 450 रुपीज में। और ये स्नेक प्लांट है जो कि एक प्लांट अगर बाय करोगे तो आपको मिल जाता है 100 रुपीज में छोटा वाला, और बड़ा वाला बाय करोगे तो आपको मिल जाएगा 450 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है ड्रेसिना प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाएगा 250 रुपीज में। और ये वाला जो प्लांट है ये फिलाडेंड्रॉन प्लांट की वैरायटी है जो कि एक इंडोर प्लांट है, आपको मिल जाएगा 150 रुपीज से। और ये मनी प्लांट है, पॉट में आपको मिलेगा 100 रुपीज में, ग्रीन मनी प्लांट। ये देखिए अनदर वैरायटी ऑफ सिंगोनियम प्लांट, सेम रेट में आपको मिल जाती है 80 रुपीज में एक प्लांट। और ये जो प्लांट है जेजे के प्लांट है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 150 रुपीज से। ये वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स में से एक प्लांट है। और ये गोल्डन मनी प्लांट है, आपको मिल जाएगा 100 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ऐसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन है इनके पास। ये भी एक इंडोर प्लांट है, आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ये कैलेथिया प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज है, आप इसको मिनिएचर वेराइटी भी बोल सकते हैं कैलेथिया प्लांट्स की। ये आपको मिल जाता है 300 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, इसका जो लीफ का पैटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है और दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है। ये देखिए हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स आपको मिल जाते हैं इनके पास में 150 रुपीज से। हैंगिंग बास्केट में इनके पास में फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, कुछ इंडोर प्लांट्स भी है और कुछ क्रीपर प्लांट्स भी है जो कि आप बाय कर सकते हो 150 रुपीज से। क्रीपर प्लांट हैंगिंग बास्केट में दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपको इसको आउटडोर रखना पड़ता है। अगर आप मनी प्लांट जैसा कोई प्लांट लगाते हो हैंगिंग बास्केट में तो आप इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने भी ये प्लांट को शेड में रखा है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। बोनसाई प्लांट का भी कुछ बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है इनके पास में। ये वाला जो प्लांट है आपको मिल जाता है 350 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ये फाइकस प्लांट की वैरायटी है, बड़े साइज में भी बोनसाई के प्लांट्स हैं इनके पास में। ये वाला आपको मिल जाएगा 1500 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ये फाइकस प्लांट की वैरायटीज है, इनकी ज़्यादा केयर लेने की जरूरत नहीं होती है, बस आप ब्राइट लाइट प्रोवाइड कीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और ये जो प्लांट है ये सिंगोनियम प्लांट की वैरायटी है जो कि एक प्लांट आपको मिल जाएगा 300 रुपीज में। इसको भी आप अगर ट्रिमिंग करते रहोगे तो ये भी आपको बोनसाई लुक देगा। ये देखिए इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसका ट्रिमिंग करते रहोगे तो। प्लांट में आपको फ्लावर्स के साथ साथ बोनसाई लुक भी मिल जाता है। ये वाला जो प्लांट है मार्बल मनी प्लांट है जो कि आप बाय कर सकते हो 100 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। ये फुल्ली इंडोर प्लांट है और ये जेड प्लांट आप बाय कर सकते हो 20 to 50 रुपीज से, सेमी इंडोर प्लांट है। ये कैलेथिया प्लांट की वैरायटी है जो कि आप बाय कर सकते हो 120 रुपीज में, आर्टिफिशियल जैसे लगता है प्लांट लेकिन ये रियल प्लांट है। और ये जो प्लांट है स्टार प्लांट है जो कि आप बाय कर सकते हो 120 रुपीज में, वो भी पॉट के साथ। अच्छा खासा बड़ा प्लांट है ये, इसको ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो प्लांट है अर्लिया प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाता है 80 रुपीज में। और ये सेमी इंडोर प्लांट है, ये अनदर वैरायटी। और ये ड्रेसिना प्लांट की वैरायटी है, सेमी शेड में ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट, 80 to 150 रुपीज के रेंज में आपको इनके पास में मिल जाते हैं।
और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, ये भी सेमी इंडोर प्लांट है। पाम ट्री की तो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ है इनके पास में, वो भी डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाती है। जैसे कि आपको चाहिए बड़ा प्लांट तो बड़े प्लांट्स भी इनके पास में आपको मिल जाते हैं। एलोवेरा के भी प्लांट्स हैं इनके पास में, जो कि आप बाय कर सकते हो 30-50 रुपीस के रेंज में। ये जो प्लांट है ब्राह्मी का प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 रुपीस में। ये हर्बल प्लांट होने के साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी है इसके। ये अजवाइन का प्लांट है, आपको मिल जाएगा 50 रुपीस में। और ये जो प्लांट है ये इंसुलिन का प्लांट है, जो कि डायबिटीज के लिए यूज होता है, आपको मिल जाता है 80 रुपीस में। ये वाला जो प्लांट है ये भी एक हर्बल प्लांट है, आप बाय कर सकते हो 150 रुपीस में, वो भी पॉट के साथ में यहाँ से। और ये जो प्लांट है स्टावी का प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। और ये जो प्लांट है गिलोय का प्लांट है, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है। रोजमेरी का प्लांट आपको मिल जाएगा 80 रुपीज़ में। मारवा का प्लांट, जो कि एक हर्बल प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 रुपीज़ में। प्लांट के भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस है, जैसे कि आपको नर्व पेन है, वाटर पील्स है, रनी नोज है, उसमें ये यूज़ में आता है। ये वाला जो प्लांट है ऑर्गेनो का प्लांट है, जो कि एक हर्बल प्लांट है, आपको मिल जाता है 60 रुपीज़ में। और ये वाला जो प्लांट है ये तुलसी का प्लांट है, ये आपको मिल जाता है 20-50 रुपीज़ के रेंज में। इलायची के भी प्लांट्स हैं इनके पास में, जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट फ्रॉम 100 रुपीज़। इनके पास में आपको लौंग का भी प्लांट मिल जाएगा, जो कि आप बाय कर सकते हो 150-300 के रेंज में। इनके पास में आपको स्टरलाइट प्लांट की भी वैरायटीज देखने को मिल जाती है, जो कि आप बाय कर सकते हो 60-150 रुपीज़ के रेंज में। और ये वाला जो प्लांट है ड्रेसिना प्लांट की वैरायटी है, जो कि आप बाय कर सकते हो 50-150 रुपीज़ के रेंज में। साइप्रस के प्लांट्स भी इनके पास में अवेलेबल है, जो कि आप बाय कर सकते हो 80-150 रुपीज़ के रेंज में। सफलेरा का भी प्लांट्स है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा इंडोर प्लांट है, आप बाय कर सकते हो 150-200 के रेंज में। ये फाइकस का प्लांट है, जो कि आप बाय कर सकोगे 300 रुपीज़ के रेंज में। इसी से बोनसाई प्लांट्स बनाए जाते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये बाय कर सकोगे आप 250 रुपीज़ में। इसको सेमी शेड में ग्रो कर सकते हो आप। वाला जो प्लांट है ये समी का प्लांट है, अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। वास्तु में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, अगर आप इसको रखना चाहते हो घर के अंदर तो वेस्ट साइड में आपको रखना है। ये वाला जो प्लांट है पुलाव पत्ता का प्लांट है, आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। बिरयानी के जो फ्लेवर है उसको एनहांस करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये वाला जो प्लांट है दालचीनी का प्लांट है, आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ में। और ये वाला जो प्लांट है तेज पत्ता का प्लांट है, आपको मिल जाता है 180 रुपीज़ में। ये वाला प्लांट है चंदन का, जो कि आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। मैं भी पहली बार दिख रहा हूँ ये प्लांट को। और ये वाला जो प्लांट है ये रुद्राक्ष का प्लांट है, आपको मिल जाता है 350 रुपीज़ में। फ्रूट के भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ है इनके पास में, जैसे कि ग्रेप का प्लांट है, अंगूर का प्लांट। वाला जो प्लांट है आंवले का प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है लेमन का प्लांट है। जो सभी देख रहे हो आप ये हाइब्रिड वेराइटीज है, प्लांट छोटा ही होता है और इसको फ्रूट्स आना चालू हो जाते हैं। ये वाला जो प्लांट है टोमेटो को प्लांट्स है, यानी वेजिटेबल के भी प्लांट्स है इनके पास में, आप देख सकते हो इसके टोमेटो लग चुके हैं। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आप वेजिटेबल के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो तो उनको सीड्स से ग्रो कीजिए, तो आपको बहुत चीप रेट में बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। ये वालकेश इनका प्लांट है, जो कि पॉट के साथ में आपको मिलेगा, देख सकते हो आप इसको लग चुका है, क्योंकि यह हाइब्रिड वैरायटी है। इनके पास में आपको चीकू के प्लांट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप बाय कर सकते हो 200 रुपीज़ के रेंज में। उसी के साथ में आपको इनके पास में पपीता के प्लांट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हो 100-250 रुपीज़ के रेंज में। पपीता के प्लांट जो होते हैं वो छोटे रहेंगे और उसको बहुत सारा फ्रूट्स आएगा, क्योंकि यह हाइब्रिड वैरायटी है। ऑरेंज के प्लांट्स भी इनके पास में, जो कि आप 150-200 के रेंज में इनके यहाँ से बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो बाकी लोगों को भी पता चले इस नर्सरी के बारे में। जो नर्सरी है जुहू में है, जुहू में की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी है ये। अगर इनके यहाँ के प्लांट्स आपको पसंद आए तो वहाँ पे जाके आप ये बाय कर सकते हो, अदरवाइज उनसे मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऊपर में जो सर्कल दिया है उसको क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।